तो हेलो गाइस, पुनित इज बैक विथ सम न्यू कूल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं NX 80 के मैनुअल सेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट वी स्टार्टेड। मैनुअल सेटिंग्स क्यों काम आती है? अगर आप मैनुअली सेटिंग्स पे वर्क करते हैं तो आप कैमरा में कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से शटर स्पीड, ISO और वाइट बैलेंस। ये आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपने एक्सपोजर के ऊपर कंट्रोल करने की। ऑटो मोड पे कैमरा ऑटोमेटिकली एक्सपोजर को एडजस्ट करता है, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए मैनुअल सेटिंग्स प्रेफर की जाती है कुछ ऐसी सिचुएशन में जहां आप अपने हिसाब से एक्सपोजर को बना पाओ। तो हम चलते हैं मैनुअल सेटिंग्स की तरफ। पहला स्टेप है मैनुअल सेटिंग्स पे स्विच करना। तो कैमरा पे पीछे के साइड में एक बटन दे रखा है जिस पर लिखा है ऑटो और मैनुअल। मैनुअल पे जाने के लिए सबसे पहले इंश्योर कर लें आपका बटन जो हो मैनुअल की तरफ हो। इसके बाद हम जाएंगे मैनुअल फोकस के ऊपर। मैनुअल फोकस कैमरा के लेंस की तरफ एक बटन मिलता है आपको AF MF का, उसको प्रेस करने के बाद आप मैनुअल फोकस के ऊपर जा सकते हैं। स्क्रीन पे आपको हैंड का इंडिकेशन दिखेगा जिससे आप पता लगा पाएंगे कि आपका जो कैमरा है वो मैनुअल फोकस की तरफ है। मैनुअल फोकस में आप अपने हिसाब से फोकस को पुल कर सकते हो और इवन अपने हिसाब से फोकस इफेक्ट बना सकते हो। यहाँ कैमरा ऑटोमेटिक अपने हिसाब से ऑटो फोकस नहीं कर रहा है, आप अपने लेंस के रिंग के थ्रू ऑटो फोकस कर पाते हैं। मैनुअल फोकस में एक अच्छा ऑप्शन आता है कैमरा में पिकिंग का। पिकिंग ऑन करने के लिए हम कैमरा मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे आप हम ऑप्शन में जाएंगे डिस्प्ले सेट में और पिकिंग को सिलेक्ट करेंगे। पिकिंग सिलेक्ट करने के बाद आपका कैमरा जो है वह आपके सब्जेक्ट के ऊपर रेड कलर के डॉट्स दिखाएगा। जब आपके कैमरा सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर रेड डॉट्स हो जाएंगे, इसका मतलब है जो आपका फोकस है वो सब्जेक्ट के ऊपर है। ये आपको अंदाज़ा लगाने के लिए हेल्प करता है कि जो आपका फोकस है वो किस तरफ पुल हो रहा है। पिकिंग ऑप्शन इसीलिए कैमरा में दिया रहता है। अब हमने ये बात कर ली अबाउट फोकस की, अब हम बात करेंगे आयरस के बारे में। आयरस हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए? कैमरा में आयरस यानी अपर्चर दे रखा है, f2.8 से f11 तक इसमें आप अपने अपर्चर को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये लेंस की ओपनिंग होती है। अगर आपको ज़्यादा लाइट चाहिए तो मैं बोलूँगा 2.8 पे जाएं, और अगर आपको कम लाइट चाहिए तो आप अपर्चर को बढ़ा लीजिए। इसी तरीके से अपर्चर का काम किया जाता है। इसी के साथ में अगर आपको बोके इफेक्ट भी चाहिए, मतलब बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो आपकी जो अपर्चर वैल्यू है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए 4.5, 2.8, 3.2, जो भी रिकमेंडेबल हो। इसके बाद हम बात करेंगे शटर स्पीड की। कैमरा में शटर स्पीड वैसे तो कांस्टेंट रखनी चाहिए, फ्रेम रेट का ट्वाइस आपको शटर स्पीड लेते हैं। जो कैमरा में आपने फ्रेम रेट ले रखा है उसी का डबल हमने शटर स्पीड लेना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ISO यानी DB के बारे में। DB हेल्प करता है लाइट बढ़ाने के लिए। तो जहाँ पे हमारा अपर्चर और शटर स्पीड से लाइट का काम नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं बढ़ पा रही है, वहाँ हम यूज़ करते हैं DB वैल्यू को बढ़ा करके लाइट बढ़ाने में। पर हम ध्यान रखें कम से कम DB वैल्यू का यूज़ करें। अगर हम ज़्यादा DB वैल्यू यूज़ करते हैं जैसे 21 या फिर 22 या फिर 32, तो हमारे वीडियो के अंदर नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जितना कम हो पाए उतना कम DB वैल्यू का यूज़ किया जाए। पर शटर स्पीड ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो कम नहीं होनी चाहिए 1/50 से या 1/100 से। अगर आप उसे बढ़ा भी देंगे तो वीडियो ख़राब हो जाएगा, और घटा भी देंगे तो वीडियो ख़राब हो जाएगा। इसलिए शटर स्पीड को नहीं चेंज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वाइट बैलेंस के बारे में। तो कैमरा में आपको ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन दे रखा है, बट अगर आप ऑटोमेटिक मैनुअल सेटिंग्स पे काम कर रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप केल्विन डिग्री यूज़ करें। केल्विन डिग्री के लिए पहले आपको मेन्यू में जा करके टेम्परेचर सेट को सिलेक्ट करना होगा। टेम्परेचर सेट सिलेक्ट करने के बाद में आप होम स्क्रीन पर आएंगे। होम स्क्रीन पर आने के बाद आप वाइट बैलेंस बटन को प्रेस करेंगे और जॉयस्टिक के थ्रू आप केल्विन डिग्री की तरफ मूव करेंगे। अब आपको कैमरा की स्क्रीन पर केल्विन डिग्री दिखने लग जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद आप कैमरा सेट पर जाएंगे एंड उसके बाद टेम्परेचर सेट पर आप केल्विन डिग्री को चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, और अगर मुझे इसे वार्म करना हो तो मैं वार्म कर सकता हूँ, और इसे कोल्ड करना हो तो कोल्ड कर सकता हूँ माध्यम इन टेम्परेचर स्केल से। तो इस तरीके से आप वाइट बैलेंस को भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट सिचुएशन। एक चीज है जो कि है ND फिल्टर। कैमरा में आपको ND फिल्टर भी देखने को मिलता है, और अगर आप डे लाइट में ये शूट कर रहे हैं और डे लाइट के अंदर आपने अपना अपर्चर भी तो आप 4.0 रख रखा है, आपने सारी सेटिंग्स मिनिमम कर रखी हैं, बट जो आपका एक्सपोजर है फिर भी ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ND फिल्टर को यूज़ करके एक्सपोजर को बैलेंस कर सकते हैं। सिंपली आपको 3-स्टॉप ND फिल्टर कैमरा में देखने को मिलता है, 1/4, 1/12, 1/64। तो ND फिल्टर के स्विच को आप ऊपर करके
1, 2, 3 लेवल पे अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। एंडी फिल्टर में आपको, अगर आपको एंडी फिल्टर ना यूज़ करना हो तो सिंपली लीवर को प्रेस करिए क्लियर की तरफ और आप अपने एंडी फिल्टर से हट जाएंगे। स्क्रीन पे आपको इंडिकेशन देखने को मिलेगा जब आपके कैमरा पे एंडी फिल्टर लगा होगा। सो दिस इज अबाउट कैसे आप मैन्युअली कैमरा को यूज़ कर सकते हैं NX80 एंड Z90। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिंक, तो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। और अगर आपका प्लान हो परचेज करने का इस कैमरा को, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कैमरास के लिंक डाल रखे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड स्टे रॉक।